फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन है। ये इस्केमिक हार्ट डिजीज कंडीशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को MIB बोलते हैं या फिर कॉमनली इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। सो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले अगर मायोकार्डियल की बात करें, सो मायोकार्डियल वर्ड का मतलब है कि जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम है, मीन्स जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स है या फिर मसल सेल्स है, उसका मतलब है मायोकार्डियल। इन्फार्क्शन का मतलब होता है जब किसी सेल को या फिर टिश्यू को बहुत टाइम से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, या फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इट मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जब सेल्स डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फार्क्शन। मीन्स जब लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जब टिश्यूज डेड हो जाते हैं और नेक्रोसिस हो जाती है उनमें, तो उसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। यहाँ पर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जब हार्ट के जो मसल सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड रहेंगे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो मायोकार्डियल सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो नेक्रोसिस हो जाएगी उनमें और वो डेड हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर MI या फिर हार्ट अटैक। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। MI रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यूज आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। सो ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट के मायोकार्डियल टिश्यूज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। परमानेंटली मतलब इररिवर्सिबल। इन द रीजन ऑफ हार्ट दैट आर डिप्राइव्ड ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। सो उस रीजन में हार्ट के जो भी मसल लेयर है, उस पर्टिकुलर रीजन के जो मसल सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, परमानेंटली डेड हो जाएंगे, नेक्रोस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। क्योंकि उनको जो ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा, इनफ ब्लड नहीं मिलेगा जो एडिक्वेट सप्लाई ब्लड की होनी चाहिए थी। इट मीन्स एडिक्वेट सप्लाई ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी मायोकार्डियल सेल्स को, वो नहीं मिल पाएगी, जिसको क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। सो मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या मतलब है? इस्कीमिया का मतलब होता है जब इनफ ऑक्सीजन या फिर अगर इनफ ब्लड किसी टिश्यू या सेल को नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया में सेल्स को जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती या फिर इनफ ब्लड नहीं मिल पाता तो सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस्कीमिया में क्या होता है, सेल्स वायबल होती हैं। वायबल का मतलब है अभी भी वो फंक्शन कर सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइना में होता है। एंजाइना में मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस में जब सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती हमारे मायोकार्डियम को, तो क्या होता है कि सेल्स के अंदर पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे चेस्ट पेन होता है। सो दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। नाउ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि बार बार मायोकार्डियल इस्कीमिया होने के कारण प्रोलोंग इस्कीमिया, मतलब ज्यादा टाइम से, प्रोलोंग टाइम से जो हमारे मायोकार्डियम सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। उस रीजन में वो परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, इरिवर्सिबल डेथ होता है मायोकार्डियल सेल्स का। बिकॉज ऑफ, अभी ये जो इरिवर्सिबल डेथ है, परमानेंटली जो डेथ है हमारे मायोकार्डियल सेल्स की, वो क्यों होती है? एक तो हमें पता लग गया कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। इट मीन्स एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो परमानेंटली क्या हो जाते हैं, उनमें नेक्रोसिस हो जाती है, परमानेंटली वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो। नाउ हमें पता है कि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है वो क्या है, कॉर्नरी आर्टरीज। सो ये क्या है हमारा, ये आयोटा है जो कि हार्ट से निकलता है और हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। आयोटा देन फर्दर डिवाइड होकर आयोटा से ही डायरेक्टली हमारी कॉर्नरी आर्टरीज निकलती हैं। सो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। सो ये कॉर्नरी आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं डायरेक्टली। अब जब इन कॉर्नरी आर्टरीज में किसी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि वो ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पाएगा। तो इट मीन्स
ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज में रिड्यूस मतलब एडिक्वेटली ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अकर्स। तो क्या होता है, अगर लॉन्ग टाइम से इस्कीमिया होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब लॉन्ग टाइम से जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा कॉर्नरी आर्टरी में किसी वजह से, जिसकी वजह से मायोकार्डियम को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ब्लड नहीं मिल पा रहा, जिसको बोला है मायोकार्डियल इस्कीमिया। और अगर ये बार बार होता है, इसका सोल्यूशन नहीं, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते, तो प्रोलॉन्ग टाइम से, काफी टाइम से जो हमारी मायोकार्डियल लेयर है हार्ट की, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे परमानेंटली क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का क्या मतलब है कि परमानेंटली जब किसी टिश्यू को, सेल को लॉन्ग टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो परमानेंटली डेड हो जाता है, किल हो जाते हैं वो सेल्स, और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अकर्स। तो क्या होता है, मायोकार्डियल टिश्यू की डेथ हो जाती है। सो ओवरऑल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या मतलब है कि कॉर्नरी आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाएगा, तो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा। और अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम से होगा, प्रोलॉन्ग इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया इज कि ब्लड या फिर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिली मायोकार्डियम को, तो प्रोलॉन्ग इस्कीमिया के कारण हमारे जो सेल है, मायोकार्डियल सेल्स दैट इज कार्डियोमायोसाइट्स या फिर मायोकार्डियल टिश्यू, वो परमानेंटली नेक्रोस हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सो इस तरह से होता है। नाउ इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फर्स्ट रीजन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट रीजन, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो क्यों नहीं करता, फर्स्ट रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है। इसमें क्या होता है, अगर ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं, सो ये कॉर्नरी आर्टरी, सपोज लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी में क्या हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है उसकी इनर लाइनिंग। सो एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं भी हो सकता है, किसी भी आर्टरी में हो सकता है, हम यहाँ पर हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसमें प्लेक की डिपोजिशन हो जाती है। प्लेक का मतलब है कि जो इनर लाइनिंग है आर्टरीज की, इनर ल्यूमन है, सबसे इनर जो लाइनिंग है, इंटिमा, उसमें क्या हो जाता है, प्लेक की डिपोजिशन। प्लेक मतलब फैट्स और लिपिड्स डिपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फैट्स और लिपिड डिपोजिट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर रहा था वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो फैट और लिपिड्स के प्लेक्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। सपोज अगर यहाँ पर प्लेक डिपॉजिट है तो यहाँ पर जो मायोकार्डियल सेल्स हैं आसपास के, उनको प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सो फर्स्ट रीजन हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड रीजन हो सकता है थ्रोम्बस और एम्बोलस। सो थ्रोम्बस या फिर एम्बोलस क्या होता है, सपोज अगर ये प्लेक जमा हो रहा है कॉर्नरी आर्टरीज में, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो ये प्लेक यहां से रप्चर होकर इसका कुछ पार्ट टूट भी सकता है, अलग हो सकता है इस प्लेक से। सो सपोज थोड़ा सा पार्ट प्लेक से रप्चर होकर अलग हो गया, तो जब भी हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी कुछ रप्चर होता है, इंजरी होती है, तो प्लेटलेट्स वहां पर आ जाते हैं। सो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, प्लेटलेट्स जहां रप्चर हुआ है उस साइट पर पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स को ट्रैक करेंगे और प्लेटलेट्स को ट्रैक करेंगे, और वहां पर क्या बन जाता है, एक क्लोट बन जाता है, या फिर जिसको बोलते हैं प्लेटलेट क्लंप। सो सपोज यहां पर इंजरी हुई थी तो यहां पर बहुत सारे प्लेटलेट्स बन गए और प्लेटलेट का क्लोट बन गया, क्लंप बन गया। अब एक तो प्लेक ऑलरेडी है वहां पर जहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है कॉर्नरी आर्टरी में, वहां पर प्लेक ऑलरेडी है, अगर प्लेक रप्चर हो गया तो वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स ने भी एक क्लंप और क्लोट बना दिया, वो क्लोट फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, और हो सकता है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी है ये कंप्लीटली ऑक्लूड हो जाए, कंप्लीट इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए प्लेटलेट के क्लोट बनने के कारण, और इस क्लोट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस या फिर एम्बोलस। अब
ये सेकंड रीजन हो सकता है कि मायोकार्डियल टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। नाउ थर्ड रीजन क्या होगा? अब जो एम्बोलस है, थर्ड रीजन ये है कि एम्बोलस कहीं और बना था, हमारे कोई और आर्टरी में बना था और वहां से फ्लो होकर वो एम्बोलस हमारी कॉर्नरी आर्टरी में पहुंच गया। सो वो थर्ड रीजन हो सकता है कि मायोकार्डियल टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना जाए। सो एम्बोलस फ्रॉम एनी अदर साइड मूव्स टू कॉर्नरी आर्टरी, वो किसी और साइड से कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड के थ्रू मूव करके कॉर्नरी आर्टरी में स्टक हो गया। सो दैट इज एम्बोलस, जो कि कहीं और बना था और कॉर्नरी आर्टरी में जाकर स्टक हो गया। सो वो भी एक थर्ड रीजन है मायोकार्डियल टिश्यूज को ब्लड सप्लाई ना जाने का। फोर्थ रीजन क्या हो सकता है? वैसोस्पाज्म का क्या मतलब है? कि हमारे वेसल्स में नैरोइंग होना। सो किसी रीजन की वजह से सडनली हमारी जो वेसल्स हैं, ये वेसल क्या हो गई? नैरो हो गई। सो वेसल की नैरोइंग की वजह से भी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी मायोकार्डियल टिश्यूज को। सो ये फोर्थ रीजन है वैसोस्पाज्म, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी की इंक्रीज होने की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, या फिर अगर एंडोथीलियम डैमेज है हमारी आर्टरीज की तो वो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन सिक्रीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वेसल हमारी नैरो रहेगी, रिलैक्स नहीं रहेगी। तो फोर्थ रीजन ये हो सकता है। फिफ्थ रीजन हो सकता है हैमरेज और एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होगा, हमारा ब्लड प्रॉपर नहीं है बॉडी में, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, तो इट मीन्स प्रॉपरली जो हमारा हार्ट मसल है उसको भी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो एनीमिया हो सकता है। हैमरेज अगर ज्यादा लॉस हो गया है ब्लड का हमारी बॉडी से, तो भी प्रॉपर ब्लड और इनफ ब्लड हमारे मायोकार्डियम को नहीं जा पाएगा। तो ये सभी रीजंस की वजह से जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर कॉर्नरी आर्टरीज में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो हमारे मायोकार्डियम जो सेल्स हैं हार्ट के, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, और अगर ब्लड नहीं मिलता है इनफ तो पहले तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा, मींस डैमेज होना स्टार्ट होगा, दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल सेल्स का। और अगर प्रोलॉन्ग इस्कीमिया होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो परमानेंटली क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। इन्फार्क्शन मतलब नेक्रोसिस हो जाएगी परमानेंट, और परमानेंट डेथ हो जाएगी मायोकार्डियल सेल्स की, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। नाउ ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कि यूएसए में, अमेरिका में अराउंड 1 मिलियन केसेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के एवरी ईयर आते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की MI की क्लासिफिकेशन सबसे फर्स्ट बेस्ड है डिग्री ऑफ डैमेज के ऊपर। सो डिग्री ऑफ डैमेज के बेसिस पर MI डिवाइडेड है। फर्स्ट है जोन ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड इज जोन ऑफ इंजरी, एंड थर्ड इज जोन ऑफ इस्कीमिया। सो ये हम ऐसे देखते हैं, सपोज ये हमारा हार्ट है, So, ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है, एंड इस कॉर्नरी आर्टरी में यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड ये जो मसल यहां पर सराउंडेड है, जो हमारे मायोकार्डियल मसल्स यहां पर सराउंडेड है, उसके बेसिस पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी डिग्री ऑफ डैमेज। सो सपोज ये हमारा फर्स्ट है, ये वाला जो जोन है ये है जोन ऑफ इन्फेक्शन। सो जोन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, डेथ ऑफ हार्ट मसल, कंप्लीट डेथ हो जाती है हार्ट मसल की, कंप्लीट वो डेड हो जाती है हार्ट मसल, दैट इज कार्डियोमायोसाइट्स, और या फिर इसको बोलते हैं जोन ऑफ नेक्रोसिस, मीन्स जो हार्ट के मसल सेल्स है वो कंप्लीटली नेक्रोस हो गए हैं। अब ये कंप्लीट नेक्रोसिस कब होती है, कंप्लीट ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, जब कंप्लीटली जो हार्ट के मायो कार्डियोसाइट्स हैं, मींस जो हार्ट के मसल सेल्स हैं, जब उनको कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलती, बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तब होती है कंप्लीट डेथ होती है मसल सेल्स की, हार्ट के मसल सेल की, या फिर कंप्लीट नेक्रोसिस तब होती है।
अब ये कम्प्लीटली जब ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिलेगा मसल सेल को, वो क्यों कब होगा? जब हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी है वो कम्प्लीटली ओक्लूड हो गई है, जब उसमें कम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या फिर काफी टाइम से इस्कीमिया हो रहा है, प्रोलॉन्ग इस्कीमिया है, बार बार इस्कीमिया हो रहा है, और जो सॉल्यूशन है ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो काफी टाइम से अगर मसल सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो वो नेक्रोस हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज जोन ऑफ इन्फार्क्शन। अब जोन ऑफ इन्फार्क्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, ये जो डैमेज है, ये जो डेथ है, ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल मीन्स परमानेंट डेथ होगी मसल सेल की। सो ये है जोन ऑफ इन्फार्क्शन। सेकेंड आता है जोन ऑफ इंजरी। जोन ऑफ इंजरी क्या होता है? जो सेल्स जोन ऑफ इन्फार्क्शन, जिस प्लेस में इन्फार्क्शन हुआ है उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं, जो उसको सराउंड करते हैं सेल्स, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये क्या होता है? जोन ऑफ इंजरी। यहां पर क्या होता है, जो नेक्रोसिस वाले सेल्स हैं, मीन जोन ऑफ इन्फार्क्शन वाले सेल्स हैं, उसको जो सराउंड कर रहे हैं सेल्स, उसको बोलते हैं जोन ऑफ इंजरी। ये सेल्स क्या होते हैं, इनको भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं और इनमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ये सेल्स। सो ये सेल अभी कंप्लीटली डेथ नहीं हुई है इनकी, लेकिन ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से ये सराउंडिंग सेल्स जो कि इन्फार्क्शन को सराउंड कर रहे हैं, उनको उनमें क्या हो गई है, इंजरी हो गई है और इन्फ्लेम हो गए हैं, लेकिन ये स्टिल क्या है, वायबल है। मतलब वायबल का मतलब है कि अभी भी ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अगर इनको एट अ टाइम मीन्स ट्रीटमेंट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए इन सेल्स को, तो ये वायबल हो सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जोन ऑफ इस्कीमिया। अब जोन ऑफ इस्कीमिया क्या होता है, जो सेल्स जोन ऑफ इंजरी को सराउंड कर रहे हैं, सो ये मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, जो सेल्स जोन ऑफ इंजरी के बाद आते हैं उनको कहते हैं जोन ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब वहां पर भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये वाले क्या है, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ इंजरी। सो जो इंजरी वाले मसल्स को सराउंड कर रहे हैं वो है जोन ऑफ इस्कीमिया। ये इस्कमिक हो जाते हैं सेल्स, क्योंकि इनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ये सेल्स अभी डेड नहीं हुए, ये सेल फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सेल क्या है, इस्कीमिक है। मींस यहाँ पर जो भी सेल्स होंगे वो पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे और एंजाइना का अटैक आ सकता है, क्योंकि पेन वहां पर हो रही है इनफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से। ये क्या है सेल्स, ये भी वायबल है, मींस ये अभी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन पे अभी इतना खतरा नहीं है, इतना रिस्क नहीं है कि ये डेड हो जाए। लेकिन अगर इन सेल्स को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती काफी टाइम से, तो ये भी इन्फार्क्शन में आ सकते हैं, इंजरी में आ सकते हैं। सो ये थ्री जोन्स है, जोन्स ऑफ इन्फार्क्शन मींस कंप्लीट डेथ ऑफ सेल्स, देन उसके साइड में जो सेल्स होते हैं दैट इज जोन ऑफ इंजरी, जो कि इंजर्ड हो जाते हैं, वो भी जल्दी से इन्फार्क्ट हो सकते हैं अगर उनको ऑक्सीजनेशन ना मिले। देन आता है थर्ड जोन ऑफ इस्कीमिया, जो कि इंजरी वाले सेल्स को सराउंड कर रहा है। इस्कीमिया वाले सेल्स अभी वायबल है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देन आता है अकॉर्डिंग टू लेयर्स ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व। अब लेयर्स ऑफ हार्ट मसल, हार्ट मसल की कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन, या फिर इसको बोलते हैं स्टेमी। स्टेमी इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो इसको एसटी एलिवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ईसीजी वेव्स है उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है इसमें, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन का मतलब होता है इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस ऑफ हार्ट मसल। अगर हार्ट के मसल की फुल थिकनेस इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। अब ये फुल थिकनेस, ये सीवियर है, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन या फिर स्टेमी, ये सीवियर है, इसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कॉर्नरी आर्टरी की। अगर कोई कॉर्नरी आर्टरी कंप्लीटली ऑक्लूडेड है, उसमें बिल्कुल ब्लॉकेज है और ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा, या फिर बहुत कम ब्लड फ्लो कर पा रहा है आगे, तो उस कारण से जो हार्ट मसल की कंप्लीट थिकनेस है वो इन्वॉल्व होती है। कंप्लीट हार्ट मसल की जो थिकनेस है वो डेथ हो जाती है, उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन, दैट इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल सेगमेंट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन इसमें क्या होता है कि ये हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव है, दैट इज पी क्यू डाउन होता है, देन आर अप, एस डाउन, देन टी अप, दैट इज पी क्यू आर एस टी। तो स्टेमी दैट इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि ये जो एसटी है, सो पी नॉर्मल, क्यू नॉर्मल, आर नॉर्मल, लेकिन एसटी सेगमेंट कौन सा है, यहां पर एसटी होता है ये सेगमेंट, ये यहां से यहां तक का सेगमेंट, दैट इज एसटी सेगमेंट। सो ये एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है
इस तरह से। सो दैट इज एसटी एलिवेशन। सो ये एसटी सेगमेंट जो कि नॉर्मल था लाइन पर, फ्लैट था, ये फ्लैट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो ईसीजी में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सब एंडोकार्डियल या फिर नॉन ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन। इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल या फिर सब एंडोकार्डियल या फिर एन स्टेमी। एन स्टेमी का मतलब है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें एसटी एलिवेट नहीं होती जबकि डिप्रेस होती है। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स स्मॉल एरिया, इसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती हार्ट मसल की, स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होता है इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। सब एंडोकार्डियल वॉल जो लेफ्ट वेंट्रिकल की है उसका स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होता है, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम का स्मॉल एरिया और पेपिलरी मसल का स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होता है एन स्टेमी में। अब एन स्टेमी किस तरह से होगा, सो ये हमारी पी वेव, क्यू वेव, आर वेव एंड दैट इज एस वेव। अब इसमें क्या होगा कि जो एसटी सेगमेंट है ये सप्रेस हो जाएगा नीचे की तरफ, सो ये इस तरह से आएगा। सो नॉन ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन में, दैट इज एन स्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ईसीजी चेंजेस किस तरह के दिखाई देंगे, इसमें जो एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेट नहीं होता बल्कि डिप्रेस होता है। तो ये हमारी नॉर्मल, ये पी वेव, देन ये क्यू वेव एंड ये अपवर्ड आर वेव एंड नीचे ये इस तरह से स्प्रेस हो जाता है। सो ये एसटी सेगमेंट हमारा नीचे की तरफ सप्रेस होगा, डिप्रेस होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल से डिप्रेस होगा नीचे होगा इन द एन स्टेमी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। सो डिफरेंस क्या है, जो स्टेमी है उसमें क्या होगा, एसटी एलिवेशन होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, और एन स्टेमी में जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस होगा नीचे की तरफ। सो देयर इज अ डिफरेंस, स्टेमी में फुल थिकनेस हार्ट मसल की इन्वॉल्व होती है, सब एंडोकार्डियल में ओनली स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम और पेपिलरी मसल का। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व। सो जो कॉरोनरी आर्टरी जिस हार्ट मसल को सप्लाई कर रही है, वो हार्ट मसल जहां पर डैमेज हुआ है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। सो सबसे पहले हम कॉर्नरी आर्टरीज की एक बार डिवाइडेशन पढ़ लेते हैं। सो हमें पता है कि आयोटा से डायरेक्टली कॉर्नरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं। सो देर आर टू कॉर्नरी आर्टरीज जो मेन कॉर्नरी आर्टरीज है, राइट साइड है राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट साइड है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। सो ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो फर्दर टू में डिवाइड हो जाती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और इधर साइड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो ये मेन कॉर्नरी आर्टरीज है। अब जिस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी और वो कॉर्नरी आर्टरी जिस एरिया ऑफ हार्ट मसल को सप्लाई कर रही होगी वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगी, अगर जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सो उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन एंटीरियर और सेप्टल वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन, क्योंकि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये जो फ्रंट है एंटीरियर पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, और सेप्टल वॉल और जो सेप्टम होता है उसकी वॉल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, इसलिए अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहाँ का होगा, एंटीरियर और सेप्टल वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, रिजल्टिंग पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल MI। सो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो साइड वॉल्स है हार्ट की मायोकार्डियम की और जो पोस्टीरियर वॉल है बैक वॉल है उसको सप्लाई करती है, और अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये MI होगा। देन आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी जो राइट एट्रियम है राइट वेंट्रिकल है उसको सप्लाई करती है, प्लस जो बॉटम है इंफीरियर पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन दोनों वेंट्रिकल्स का उसको सप्लाई करती है। तो अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, रिजल्टिंग इंफीरियर वॉल MI, क्योंकि ये इंफीरियर वॉल जो है दोनों वेंट्रिकल्स की उसको बॉटम को सप्लाई करती है, तो इंफीरियर वॉल MI राइट कॉर्नरी आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन से होगा।
नेक्स्ट इज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन. सो कॉजेज मैंने ऑलरेडी एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी है. सो फर्स्ट कॉज क्या था हमारा, एथेरोस्क्लेरोसिस. सो अगर हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेक डिपॉजिट हुआ है, प्लेक इज फैट या फिर लिपिड डिपॉजिट हुआ है उसकी इनर लाइनिंग में, सो वो हमारे कॉर्नरी आर्टरीज को नैरो करता है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं जा पाता. सो फर्स्ट कॉज क्या है हमारा, एथेरोस्क्लेरोसिस. सेकेंड कॉज हमारा था कि अगर ये प्लेक रप्चर हो जाता है, सो किसी वजह से ये जो प्लेक है वो रप्चर हो गया. सो अगर रप्चर होता है तो वहाँ पर उस साइड पर जिस साइड पर रप्चर हुआ है वहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं. वो प्लेटलेट क्या करते हैं, दूसरे प्लेटलेट को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है. सो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस या फिर एम्बोलस. सो ये क्लॉट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है कॉर्नरी आर्टरीज की. सो ये कंप्लीट ऑक्लूडेड करता है, फुल ऑक्लूजन करता है आर्टरी की. सो सेकेंड कॉज क्या है, एम्बोलस और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन जो कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करता है. थर्ड कॉज क्या था हमारा, वैसोस्पाज्म. सो वैसोस्पाज्म क्या करता है, वैसोस्पाज्म का मतलब है कि जो हमारी आर्टरीज है वो सडनली क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है. सो नैरो होने का क्या रीजन है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस का रीजन नहीं है. वैसोस्पाज्म का मतलब है कि जो हमारी आर्टरीज है वो नैरो हो गई है, किसी वजह से हो सकती है, हमारा एंडोथीलियम डैमेज हो सकता है, उस वजह से हो सकती है क्योंकि एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन सेक्रेट करता है जो कि हमारी आर्टरीज को रिलैक्स रखता है. सो अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गया सो ये सिक्रेट नहीं होंगे और हमारी आर्टरीज में नैरोइंग हो जाएगी. और कई रीजन से हमारी वैसोस्पाज्म हो सकता है, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से. सो वैसोस्पाज्म अनदर रीजन है. देन एक और रीजन है कि एम्बोलस कहीं और बना था, किसी और आर्टरी में एम्बोलस था और ब्लड के साथ ट्रेवल होकर ये एम्बोलस कॉर्नरी आर्टरी में पहुंच गया. सो ये एम्बोलस विच इज फॉर्म्ड एल्सवेयर इन द बॉडी एंड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड टू द कॉर्नरी आर्टरी, ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज का या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का कॉर्नरी आर्टरी में, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हमारे मायोकार्डियम को ब्लड नहीं पहुंचेगा. सो लास्ट रीजन क्या हो सकता है, हैमरेज या फिर एनीमिया. सो हैमरेज में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली हार्ट को नहीं मिलेगा. एनीमिया में भी ब्लड प्रॉपरली हार्ट की मायोकार्डियम को नहीं मिलता और मायोकार्डियम में इन्फार्क्शन हो जाता है. सो ये कॉजेज है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स. अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियम इन्फार्क्शन के चांसेस, MI के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो दो टाइप के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक है मॉडिफिएबल एंड दूसरा है नॉन मॉडिफिएबल. सो मॉडिफाई जिन रिस्क फैक्टर्स को हम कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स के लिए. सो वो आते हैं मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफिएबल होते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये ऐसे ही रहेंगे, हम कुछ भी कर लें. सो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ये हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिएबल. सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा हाई ब्लड लिपिड लेवल. सो अगर ब्लड में लिपिड का लेवल हाई है, सो दैट इज हाइपरलिपिडेमिया या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. सो अगर ब्लड में हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, लिपिड फैट का लेवल ज्यादा है, तो क्या होगा, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होते हैं गुड और एक होते हैं बैड. सो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बैड है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 mg/dL से ज़्यादा रहता है हमारे ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है MI होने के. और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका लेवल डिक्रीज जाता है हमारे ब्लड में, तो भी चांसेस है MI होने के. देन हमारा आता है स्मोकिंग या फिर अल्कोहल. सो स्मोकिंग और अल्कोहल क्या करते हैं, स्मोकिंग हमारे जो लाइनिंग है आर्टरीज की उसको इरिटेट करता है, डैमेज करता है, जिससे क्या होता है, वैसोस्पाज्म होता है, हमारी आर्टरीज नैरो होती हैं क्योंकि एंडोथीलियल डैमेज होगा तो आर्टरीज नैरो हो जाएंगी. अल्कोहल सेम थिंग, अल्कोहल हाइपरटेंशन भी कोज करता है, आर्टरीज को नैरो करता है. सो स्मोकिंग और अल्कोहल अदर रिस्क. देन आता है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन से क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज है वो थिक हो जाती है, उनकी वॉल थिक हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं, नैरो होती है हाइपरटेंशन से हमारी आर्टरीज, अनदर रिस्क ऑफ MI. देन आता है डायबिटीज मेलाइटस. सो डायबिटीज मेलाइटस में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, ओबेसिटी और ओवरवेट होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहने के चांसेस रहते हैं. सो सारे ही रिस्क फैक्टर्स ये आपस में कनेक्टेड हैं और
एमआई कॉज करती हैं। देन आता है फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी। फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस रहते हैं, प्लेक डिपोजिशन के चांसेस रहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड अल्टीमेटली क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन आता है इमोशनल स्ट्रेस। अगर इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस टाइप ए पर्सनैलिटी है, तो वैसोस्पाज्म होने के चांसेस रहते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस होने के, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। देन आता है लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन वीमेन, और अनदर रीज़न है लैक ऑफ एस्ट्रोजन का कि जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन होती है, मेनोपोज के बाद भी वुमेन में चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिसीज होने के और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। प्री एक्लेम्शिया हाइपरटेंशन, जो प्री एक्लेम्शिया होता है दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो प्री एक्लेम्शिया जिन वुमेन को होता है उनमें भी चांसेस इंक्रीज रहते हैं एमआई के। देन आता है इंक्रीज होमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल। होमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन ये दोनों प्रोटीन्स हैं, अगर इनका लेवल हमारे सीरम में ब्लड में एक्सेसिव रहता है तो भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के। देन आते हैं नॉन मॉडिफिएबल। अब जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फर्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे क्लोज रिलेटिव्स को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन आता है एज। एज में अगर हमारी एज 40 से ओल्डर है, 40 से ज़्यादा है एज, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, 40 50 के बाद चांसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि विद एज हमारी एजिंग हो जाती है आर्टरीज की भी, प्लस प्लेक डिपोजिशन बढ़ता रहता है। देन आता है जेंडर। जेंडर में मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं, 3 times ग्रेटर चांसेस होते हैं वुमेन में, प्लस जो वुमेन है उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं मेनोपोज के बाद, सो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन के भी चांसेस इंक्रीज रहते हैं एमआई होने के। देन आता है ऑटो इम्यून डिसीज। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है जैसे कि इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशंस होती हैं, ल्यूपस होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो उसमें भी चांसेस इंक्रीज रहते हैं एमआई के। सो दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फर्दर सब टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट टू, सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू ऑफ एमआई। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.